भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली बहस पर फिलहाल विराम लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि संसद इस पर फैसला ले सकती है। पिछले कई सालों से इस मामले को लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है, तो वही दुनिया के कई ऐसे देश भी है जिन्होंने ऐसी तमाम शादियों को छूट दी है, जिनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल है जहां पर दो पुरुष या फिर दो महिलाएं शादी कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के अलावा दुनिया में वो कौन से 10 मुस्लिम देश है जहां समलैंगिक शादियों को छूट दी गई है। लेबनान जैसे देश में सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक शादी को मान्यता दी गई है। इसके अलावा कजाकिस्तान, माली, नाइजर, तुर्की, इंडोनेशिया, अल्बानिया, बहरीन, उत्तर साइप्रस, अजरबैजान जैसे देशों में भी समलैंगिकों को शादी का अधिकार दिया गया है। हालांकि इनमें से भी ज्यादातर देशों में ऐसे कपल्स को अधिकार कम दिए गए हैं, यानी ऐसे रिश्तों को स्वीकार करने वाले देशों की संख्या अब भी काफी कम है। वही अगर बात करें कि समलैंगिकता जैसी चीजें लोगों की नजरों में कब आई थी और इसका विरोध कब शुरू हुआ था, तो हम आपको बता दें करीब 350 से ज्यादा साल पहले समलैंगिकता जैसी चीजें सामने आई थी और उन्हें एक जुर्म की तरह देखा गया। 1674 में उत्तर पश्चिम यूरोप में एक भयंकर तूफान आया था। नीदरलैंड के शहर यूट्रेक्ट में इस तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी। यहाँ तमाम इमारतें टूट गई और उनका मलबा ऐसे ही बिखरता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही खंडर इमारतें समलैंगिकों के लिए एक खास जगह बन गई थी। उसके बाद से ऐसे कपल यहाँ आकर मिला करते थे। फिर कई सालों तक समलैंगिक कपल यहाँ आकर मिलते रहे और इस सिलसिला लगातार चलता रहा। इसके बाद ईसाई लोगों और खासकर पादरियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इस दौरान समलैंगिकों के मिलने को बुरा माना जाने लगा और उन्हें सजा देने की शुरुआत भी हुई। माना जाता है कि इसके बाद से ही समलैंगिकता को जुर्म बनाने की शुरुआत हुई। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि दुनिया के करीब 34 देशों में समलैंगिक शादियों को मान्यता दी गई है, जिनमें करीब 10 मुस्लिम देश भी शामिल है। वही आपको बता दें कि भारत में पिछले कई सालों से समलैंगिकता और ऐसे जोड़ों के विवाह को लेकर बहस चल रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कपल्स ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें भी बाकी लोगों की तरह शादी का अधिकार दिया जाए, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसी शादियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। वही सरकार की तरफ से दायर हलफनामों में भी साफ है कि वो इसके खिलाफ है। ऐसे में संसद में इसे लेकर कानून बनाना भी मुमकिन नहीं लग रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।